आज शाम को आयोजित एक बैठक में शहर के जाने माने समाज सेवक हिज हाइनेस कुंवर प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को 5 लाख रुपयों की रकम बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भेंट में दी। मुख्यमंत्री ने ये रकम स्वीकारते हुए अपना आभार व्यक्त किया और कुंवर प्रताप सिंह की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपने साथ बाढ़ ग्रस्त इलाकों के दौरे के लिए आमंत्रित किया। कुंवर प्रताप सिंह अपने पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार आज त्रिवेंद्रम की ओर शिकार के लिए रवाना हो रहे हैं। घायल तुम्हारी राहें तकी अरमलिए कब से
हाथों से होठों से ऐसे थोड़ा सा प्यार कर लो। अगर एम्बुलेंस में ले चलो। अच्छा सर। कमिश्नर साहब, हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिज हाइनेस का खून किसी एक शख्स ने नहीं किया, बल्कि सात आदमियों ने मिलकर किया है। ये कैसे कह सकते हैं आप? इन जख्मों को देख रहे हैं आप? जरा गौर से देखिए इन जख्मों को। इन जख्मों की चौड़ाई और गहराई में बहुत फर्क है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जख्म किसी एक चाकू के नहीं बल्कि कई चाकुओं के हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि किसी एक शख्स ने नहीं बल्कि कई आदमियों ने मिलकर ही जाइनस का खून किया है। हाँ। इंस्पेक्टर खान। यस सर। जरा पता लगाइए कि ही जाइनस ने मरने से पहले कोई वसीयत लिखी थी या नहीं। अगर लिखी थी तो उसका फायदा किस किस शख्स को होता है। उन सब लोगों को कल मेरे ऑफिस में बुलाइए। ओके सर। हिज हाइनेस इज डेड। कुंवर प्रताप सिंह की मौत हो गई है, या यूं कहो कि उनका कत्ल कर दिया गया है। आप लोग सब हैरान हो गए ना? बात है भी कुछ हैरान होने जैसी, क्योंकि पुलिस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुंवर साहब का कोई भी दुश्मन नहीं था। जो शख्स एक बार भी उनसे मिलता वो हमेशा के लिए उनका दोस्त बन जाता और उनको अपने दोस्तों की जरूरियात का हमेशा ख्याल रहता था। यह सिलसिला उन्होंने अपनी मौत के बाद भी जारी रखा। उनकी वसीयत में जिन लोगों के नाम हैं, उसमें आप सब लोगों के नाम भी शामिल हैं। जी हाँ, हमारी बिजनेस मीटिंग्स के दौरान एक बार मुझसे जिक्र किया था उन्होंने इस बात का। ओह, तो आप ये बात जानते थे। वेरी गुड। और आप लोग, आप सब लोग भी ये बात जानते थे। डॉक्टर दस्तूर जी, आप तो उनके पर्सनल डॉक्टर थे ना? हाँ जी। आप तो जरूर जानते होंगे। अरे नहीं रे बाबा, हमें को कुछ मालूम नहीं। इस आईने हमको कुछ नहीं बोला। मुझे भी कुछ नहीं पता। आप तो उनकी चाय एस्टेट के मैनेजर हैं ना? जी। और सर धन्ना जी, बोलो आपका इस आईने से क्या रिश्ता था? देखो भाई जी, मारो तो कोई रिश्ता नहीं था। मारो मतलब खून को कोई रिश्ता नहीं था। हाँ, दोस्ती को रिश्ता था। रिश्ते निभाने में ही जाइनस का जोड़ नहीं था। इसी यतीम लड़के को वो सड़क पर से उठाकर लाए और अपने घर में बाल बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। इसे भी वो अपनी वसीयत में भूले नहीं। आप पांचों के अलावा दो और भी हैं, उनकी सेक्रेटरी रोजी और मैनेजर रंजीत, जो इस वक्त शहर में नहीं है। कुल मिलाकर साथ हुए ना। हिजाइनस की मौत की वजह एक कत्ल था और कत्ल की वजह चाकू के घाव। घाव भी गिनकर सात। अरे तो आप कहना क्या चाहो कि हमने मारा राजा जी को है? हम क्यों मारेंगे उन्हें? अरे क्या बात करता है कमिश्नर साहब, हम डॉक्टर हैं, हम जान बचाता है, जान लेता नहीं। कम ऑन कमिश्नर साहब,
ये तो महज एक इत्तेफाक है कि हम भी साथ हैं और घाव भी साथ। इससे यह मतलब तो नहीं निकाला जा सकता कि हमने हिज हाइनेस को मार डाला। जी नहीं, नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि कानून को सबूत चाहिए और सबूत के लिए पुलिस जुर्म की वजह ढूंढती है। क्या यह वजह कम है कि हिज हाइनेस की मौत से आप सबका फायदा होता है? जी हाँ, फायदा होता है, लेकिन आप भूल रहे हैं कमिश्नर साहब कि जितनी दौलत हिज हाइनेस के पास है उससे कहीं ज्यादा मेरे पास है। इसलिए पैसों के लालच में मुझे उनका खून करने की जरूरत नहीं। मरने भी जरूरत नहीं, मारो दंडो भी खूब चले, कहीं समझिए। जी हाँ, हम जानते हैं, हमें सब खबर है आप किन किन घरों में किन किन लोगों के साथ क्या क्या धंधे करते हैं, सब पता है। पुलिस के पास आप सातों की फाइल है, जिससे हमें पूरी खबर है कि आपने किन किन रास्तों से कितना कितना पैसा कमाया है। अरे कहीं बात करे भाया, पीछो कमायो कोई खून तोड़ी कियो। आपको कोई हक नहीं है हम पर शक करने का। मैंने जो कुछ कहना था कह दिया है, अब आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बात सुन लीजिए, पुलिस को आप लोगों पर पूरा शक है, और जिस दिन ये शक यकीन में बदल गया उस दिन मैं नहीं ये हथकड़ी बोली। क्या हुआ मैनेजर साहब? मैनेजर नहीं, मालिक कहो, मालिक। हिजानोस किसी ने मार डाला, मेरा मतलब वो मर गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत भले आदमी थे वो, और भले आदमियों की बहुत पहचान भी थी उन्हें, इसीलिए उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है। वारिस सौस्त्र बी के वर्मा का फोन था, उन्होंने मुझे उनकी वसीयत पढ़ने के लिए बुलाया महल में। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हेलो, बोलो। गुड मॉर्निंग सेठ जी, आपका फोन है। मारो फोन किन्नो? कोई सॉलिसिटर बीके वर्मा है। अरे मैं किन्ने सॉलिसिटर को नहीं जानू, कहते सेठ जी अंदर नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी काम है। अरे कहीं जरूरी काम है, वो हिज हाइनेस थे ना, वो गुजर गए। तो मैं कहीं करूँ? जी परमात्मा उनकी आत्मा को शांति देवे। उनकी वसीयत के सिलसिले में बात करनी है। कहीं बोलियो, वसीयत के सिलसिले में, यानी के माल को मामलो है कहीं? हाँ जी, बोल बोल बोल, जल्दी मिला दे मिला दे। मैं बीके वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जी वर्मा जी, मैं सेठ धनराज बोल रही हूँ। आपको तो पता होगा कि हिज हाइनेस की मौत हो गई है। हाँ मैंने मालूम है, मर गयो बापड़ो। उनकी वसीयत के सिलसिले में आपसे मिलना है, आप रेती बंदर में आ जाइए सुबह 10 बजे। हाँ जी आऊंगा, जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। आपको उनके महल तक ले जाए। वोट कहीं हो गए? हाँ हाँ ना, समझ गयो समझ गयो, बोरी बंदर पहुँच जाऊंगा। वो 10 बजे क्यों, 9:30 बजे पहुँच जाऊंगा। थैंक, घबराओ नहीं। राम राम। अच्छा जी, राम 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 राम। डॉक्टर दस्तूर, हिज हाइनेस कुंवर प्रताप सिंह जो अब हमारे बीच में नहीं है, की वसीयत पढ़ी जाएगी। आप उनके निजी डॉक्टर रह चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि वसीयत में आपका जिक्र हो। आप सुबह 10 बजे रेती बंदर पर आ जाइए, जहां से बोट में आपको महल ले जाया जाएगा। सॉलिसिटर बी के वर्मा।
लगता है हम सब एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, और यात्रा का मजा तभी आता है जब हम सब यात्री एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। मेरा नाम रंजीत है। मैं हूं शमशेर। क्या आपको भी सॉलिसिटर बी के वर्मा ने हैं बुलाया? देखिए भाई साहब, मुझे भी उन्हीं का मैसेज आया था, लेकिन ये मिस्टर बी के वर्मा है कहां? कह रहे थे कि हिज हाइनेस की वसीयत पढ़ी जाएगी हम सबके सामने। और ने भी कोई सॉलिसिटर बी के वर्मा महल में बुलायो? आपको इससे मतलब? अरे मतलब यूं के भाया के मैंने भी बुलायो है। मारो नाम धनराज है, सेठ धनराज। तारो नाम कहीं है? क्यों है? अरे क्यों कहीं भाया, सफर में दोस्ती हो जावे तो सफर को थोड़ो मजो आवे, और कहीं? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तू तो काटने को दौड़े भाई। सब लोग आ गए? चलिए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः सात आठ नौ, चलो साहब। अरे लेकिन जाना कहाँ है? उस पार्क महल में। तो क्या वर्मा जी वहाँ पहुँच गए? वो सब अपने को मालूम नहीं, अपने को उतना ही बोला है कि सब लोग को लेके उधर चले आओ और उसके बाद में शाम को इधर वापस लेके आओ। अपने को उतना ही काम का पैसा मिलता है और कुछ मालूम नहीं अपने को। चलिए चलिए साहब। चलो चलो चलो। बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो वहाँ सोया था। क्या है, अपन एकदम सड़क के बाद में है ना। वैसे तो अपन अपोलो बंदर में रहते हैं, लेकिन कल रात को तो सोने को नहीं मिले थे, इधर आके सोया मैं। लेकिन कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं? मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे मुझे वापस जाना यार। वापस जाने को नहीं मिलेगा? बाप का माल है क्या? बाप का क्या माल है इसमें? आधार से तो काट चुके हैं। काट चुके तो मैं क्या करूँ, मुझे वापस जाना है। शाम को वापस लौटेंगे तब छोड़ देंगे, समझा क्या? अरे यार शाम को, शाम को, शाम को, शाम को। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी जाना यार। अभी जाने का हो तो पानी में कुद्दी मार। नहीं नहीं नहीं, मैं दिन भर भूखा पैसा इस बोट में नहीं रह सकता, मुझे बहुत काम है। क्या काम है? मुझे वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके भरना है बोरी में। क्या थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने का है? रात को जमा करना और रात को ढूंढना, समझे क्या? अरे यार चल बैठ गया उधर। अरे बाप रे, जाओ जाओ। इतना जोर से चिल्लाता है, खाली पीने मेरा मुंह भिगा के रख दिया। तैरने को किसको आता है, नहीं तो जाता पानी में।
बड़ी सुनसान जगह है, यहाँ इंसान तो क्या दूर तक परिंदा भी नजर नहीं आता है। कहीं ये बीके वर्मा साहब ने हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं किया? मजाक? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, मजाक क्यों करेंगे। तो फिर कहाँ है बीके वर्मा? ये गाना कौन गा रहा है? ये गाना कौन गा रहा है? चलो देखते हैं। चलिए।
करूंगी। वाह, क्या खूबसूरत महल है। वाकई इस महल की बहुत अच्छी देखभाल की गई है। वर्मा जी, वर्मा जी कहाँ हैं भाई? अरे वर्मा भाया, ओ वर्मा भाया, ओ वर्मा जी। वर्मा, अरे कहाँ हैं? अरे कोई है? कौन है आप लोग? किसकी इजाजत से आप लोग महल के अंदर आए हैं? अरे बाबा, बीके वर्मा, सोलिसिटर बीके वर्मा हमको इधर बुलाया। कौन है ये बीके वर्मा? मैं नहीं जानता किसी बीके वर्मा को। आप लोग चले जाइए यहाँ से। तुमको अंबाला लेने? मेरे को नहीं पहचाना? अरे मैं हिज रॉयल हाइनेस का पर्सनल डॉक्टर, डॉक्टर दस्तूर। अरे भूल गया क्या? पहचान गया डॉक्टर साहब। बहुत दिनों के बाद आप आए, मगर हिज हाइनेस की मौत के बाद अब आपका यहाँ क्या काम? बीके वर्मा ने हमें हिज हाइनेस की वसीयत के बारे में बुलाया है। हो सकता है इस हाइनेस ने वसीयत में कुछ तुम्हारे लिए भी छोड़ रखा हो। हाँ, हो सके भाया, जरूर हो सके। आप लोग बहुत थके हुए हैं, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। आप बहुत समझदार हैं, आप खाना भी खाते हैं। खाते हैं ना खाना? अम्बालाल जी, इन्होंने पूछा, अभी थोड़ी देर पहले गाना कौन गा रही थी? गाना? कौन सा गाना? मैंने कोई गाना वाना नहीं सुना। जरिया आइए प्लीज। ये देखिए ना, हम सबकी तस्वीरें हो यहाँ। लगता है राजा साहब बड़े धार्मिक थे, जो अपने जैसे आदमी का फोटो भी दीवार पे लगाया। पता नहीं तेरे नाम पे क्या लिखा होगा। अरे हमारे नाम पे कहीं लिखा होगा? पता नहीं वसीयत में किस किस के नाम क्या क्या लिखा होगा। हाँ, हो सकता है किसी के नाम पर ये महल भी लिख दिया हो, और महल के नीचे छुपा हुआ खजाना भी हो सकता है। क्या साला, ये सड़ा हुआ थैला बाहर क्यों नहीं फेंक देता? बदबू आ रही है सबको। आप अपने आप को बाहर क्यों नहीं फेंक देते? आपके बातों से बदबू आ रही है। अम्बाला जी, एक बात बताओ, मैंने ये फोटो है यहाँ कैसे आ गई? ये तस्वीरें आज सुबह तो यहाँ नहीं थी, ना जाने कहाँ से आ गई। इसमें तो मेरी भी फोटो है। लगता है ये उनकी तस्वीरें हैं जिनके नाम हिजानेस की वसीयत में है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था हिजानेस? तूने मेरी तस्वीर क्यों नहीं लगाई? इस जुम्मन जैसे गरीब कंगाल को भी तुमने अपने दौलत का हकदार बना दिया। मैंने तेरा क्या गुनाह किया था? चुप है, ढोंगी, ऐसा मारूंगा ना तो रोने लग जाएगा। मेरी समझ में तो एक बात आवे कि बीके वर्मा ने ये सब फोटो यहाँ लगाई। एक मिनट प्लीज। अम्बाला जी, जी आप हमें कोई ऐसा कमरा दिखाइए जहाँ हम जाकर आराम कर सकते हैं। हाँ, तब तक बीके वर्मा भी आ जाएंगे। आइए। ये आपका कमरा है, आप यहाँ आराम कीजिए, खाना तैयार होते ही बुला लूंगा। अच्छा ठीक है। आपके पास रिवॉल्वर? ओह आई एम सॉरी। आप ये रिवॉल्वर क्यों रखते हैं? डरिए मत, ऐसी वीरान जगह पे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ सकती है। माफ कीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए ना। क्या बीके वर्मा ने आपको बताया था कि हिज हाइनेस की वसीयत में आपका नाम लिखा है? जी हाँ, मुझे उनका फोन आया था। ऐसे, बाय द वे, ये बीके वर्मा कैसे आदमी है? मुझे नहीं पता, मैं उनसे कभी नहीं मिली। कमाल है, बीके वर्मा को ना कोई जानता है, ना ही कभी कोई उनसे मिला है। वेरी स्ट्रेंज। तुम्हें क्या लगता है हिज हाइनेस ने मेरे नाम कितनी दौलत छोड़ी होगी? ये तो तुम्हारा हसीन जिस्म और दिल ही जानता होगा कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ा है। उन्हें बहुत कुछ छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने दिलो जान से सेवा की है। हाँ, तुमने क्या, हम सब ने उनकी इतनी सेवा की है कि वो स्वर्ग में हो या नरक में, उन्हें तो हमारी याद आनी चाहिए। हाँ,
जब देखो तुम नाखून काटते रहते हो, जानते हो ये मनहूसियत की निशानी है, इस बैड लक। तुम जल्दी ही मरोगे। मॉर्फिन धनराज जी, ये इंजेक्शन एक दिन आपकी जान ले लेगा। नहीं लूंगा तो भी मर जाऊंगा भाई, इसीलिए तो सरोज टॉक अपने साथ रखूं। अरे तेरे तो नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। अबे बोटमन, बोटमन नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? चुम्मन, चुम्मन चुम्मन नहीं है, जुम्मन, जुम्मन जुम्मन। चल खाना लगा दिया, खाना खाने चल। मैं अपने मालिकों के साथ खाना नहीं खाता, अपनी औकात बराबर पहचानता हूँ। अरे इनके औकात तो मैं कब से जान गया हूँ, उजले चेहरे और काले दिल। मैं तो पेट भर के खाना खाऊंगा। अच्छा तू नहीं खाएगा खाना? नहीं बाद में खाऊंगा। तेरे हिस्से का मैं खाऊंगा। तू सचमुच नहीं खाएगा खाना? नहीं बाद में। ये ले, खोल के देखना नहीं। लो खाली प्लेट। अरे पेट में तो चूहा कूद लिया है, खाना जल्दी लांबा लाल जी। सूरज डूबने लगा है और बीके वर्मा का कोई पता नहीं। अंबालाल जी, यहाँ कोई रेडियो टेप रिकॉर्डर नहीं है क्या? है तो सही, पर बहुत दिनों से मैंने चलाया नहीं, पता नहीं चलता भी है कि नहीं। आप चला कर तो देखिए। अरे रूबी भाई, पेट में हाथी घोड़ा कूदे ने थाने में जिकली पड़ी है। ओ अंबालाल भाया, रोटी ला रोटी। मैं बीके वर्मा बोल रहा हूँ, मैंने ही तुम लोगों को इस महल में बुलाया है। कुंवर प्रताप सिंह की वसीयत सुनना चाहते हो आप लोग तो सुनो, उनकी वसीयत मैं लिखूंगा, आप लोगों के खून से लिखूंगा। आप सब लोगों की मौत हिज हाइनेस की मौत का बदला होगा। मैं एक एक करके तुम लोगों को मार डालूंगा। हरामजादे, तू ही बीके वर्मा है, तूने इस जेब में आवाज भरी है, तूने हम सबको यहाँ बुलाया है। बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों है? बोल नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। उठा बाबा उठा, सोफा पे रखो। डॉक्टर साहब, इसका चेहरा तो नीला पड़ता जा रहा है। अरे बाबा ये तो मर गया है। शराब, इस शराब पिए।
बच्चे मददी क्यों हो गया? इसका विस्की में किसी ने भी तो जे डाला है। अपन तो इस मौत के घर से जाता है। ए, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। जालिम बदमाश कमीने, ये सब तुम ही कर रहे हो। तुम ही वो आदमी हो जिसकी तस्वीर इस महल के दीवार पर नहीं है। मेरे बान छोड़, अगर मेरा हाथ उठ गया ना तो जिंदगी भर किसी का गिरेबान पकड़ना भूल जाएगा। अपुन को इधर नहीं रहने का बाबा, अपुन तो मुंबई चलता है। भाया भागो, मने तो अब भूतियों में लगे। आराम से चलो बाबा। सुरेश भाया वट्टी देख वट्टी। खूनी यकीनन इसी महल में है। और वो हम लोगों में से ही एक है। अरे मैया बोरी, मैंने ही माकड़ खाया। मारो मतलब है, मैं कुछ नहीं किया। मैंने भी कुछ नहीं किया। अरे भाई, किसी ने कुछ नहीं किया तो तुम लोगों को डीके वर्मा ने यहाँ क्यों बुलाया? ये डेफिनेटली मर्डर का प्लान है। मालूम कर लेंगे, अगर हम लोगों के अलावा कोई और खूनी है तो वो यकीनन इस महल में होगा। कल सुबह होते ही हमें पूरा महल छान मारेंगे। और खूनी हमारी नजरों से बच नहीं सकता। क्या हुआ सुरेश? इनके बिस्तर से पिछू निकला। खून करने को नहीं हो तरीको। ये काला बिच्छू जहरीला होता है। काला बिच्छू काटने से क्या लोग मर जाते हैं? हाँ मर जाता है, लेकिन अगर टरट जहर चूस लिया ना तो आदमी मरता नहीं, बच जाता है। मार दिया ना बराबर। चलो बाबा चल। चलो आ तो ठीक है ना। चलो। अरे घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया अब तो। ए फटीचर, कैसा कैसा आवाज निकलता रे तू? कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। ए तू किसके ख्याल हो मेरे? मैं रूबी। तुझे क्या लगता है रूबी तेरे को लट्टू है तेरे पर? तूने क्या समझ रखा है मेरे को?
लगाता है शर्त? अबे जुम्मन, मैं उसका चुम्मन लेके दिखाता हूँ, लगाता है शर्त? लगी शर्त। कितने का भाव देता है बोल? डेढ़ रुपए का। डेढ़ रुपए में आजकल दाढ़ी का ब्लेड भी नहीं निकलता। दस का भाव देता है? लग गई शर्त, दस रुपए के भाव में दस रुपया। आज रात को 11:30 बजे उसके कमरे में आ जाना। क्या हम वाकई एक एक करके मार दिए जाएंगे? मुझे दूसरों का पता नहीं, लेकिन मुझे कोई नहीं मारेगा। इस वक्त कहां जा रहे हो? ये देखने कि कौन क्या कर रहा है। डरना नहीं है? घबराओ मत, मैं हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं बचाता हूँ। काट लिया, काट बिच्छू, काट बिच्छू ने काट लिया। काटने दो, मैं मर जाऊंगी। नहीं मरेगी। कुछ करो ना। चूसता हूँ, चूसू, चूसता हूँ, चूसता हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ। जोड़ो, चूसू तो। जोड़ दो, घबराओ मत, घबराओ मत। अगर बिच्छू तुम्हें जीने नहीं देगा तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगी। नहीं मरेगी, किसी भी हालत में नहीं मरेगी। मैं बोलता हूँ, मैं तू आ जा, आ जा। पहले हाथ लगा। मैं मर गया। ठहरो। चूसू, चूसू। क्या जहर निकल गया? निकल गया। अगर निकल नहीं जाता तो तुम्हारा दम नहीं निकल जाता। किसी से न कहना कि बिच्छू ने तुम्हें काट लिया था और जहर मैंने चूस लिया, नहीं तो लोगों के मेरे पास लाइन लग जाएगी। और अगर बिच्छू को पता चल गया तो फिर से तुम्हें काट लेगा। जहर बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुमने मेरी जान बचाई है। है ना? फिर से अगर बिच्छू ने काट लिया तो मुझे बुला लेना, मैं पास में हूँ तुम्हारे। एक बात बताओगी मुझे, ये बिच्छू कहाँ मिलते हैं? क्या कहा? कुछ नहीं। सुरेश कहाँ है? मैं या सुरेश, क्या फर्क पड़ता है? आपको शर्म नहीं आती? मैं आपके बेटे समान हूँ। बेटी हो या बहन किसी और की, मुझे तो गुलाब जामुन लग रही हो। और रात को मीठा खाए बगैर मुझे नींद नहीं आती।
छोड़ूंगा नहीं, साले को देख लूंगा। अरे जाए जहां से बात करूंगा। अरे तू क्या देख रहा है? अरे लड़की को छेड़ दे, इस तरह शर्म नहीं आती? बात क्या मतलब है? थे मैं काली ने समझा दूंगा। पापा Thank you.
मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता। अरे चल भाया, चल मुझे मेरे हाल में छोड़ दो, मैं रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। सब चलो सब, सब। मैं नहीं रहता यार तुम्हारे साथ। अबे चुम्मन, अबे चुम्मन इधर आ। अरे तू था किधर? अरे मैं तेरे को ढूंढ रहा था और मैं तेरे को। इधर आ, इधर आ, चल। देख लिया तूने, मैंने ले लिया ना उसका चुम्मन। बहुत उत्साह दे रहे तू। वो तो पहले थी। कौन से स्कूल में सीखा? अरे अपना खुद का स्कूल है। मेरे को भर्ती करना? मेरा चांस कम करने का है क्या? किधर गए? अबे अरे टीचर इधर आ, पैसा निकाल। पैसा निकाल के देना पड़ेगा, ये ले 2 रुपया, बाकी का खाते पर। किसके? तेरे। हाँ तेरे तेरे। ऐसा आज का क्या भाव दिखा? आज का भाव चुम्मन का बोलू? वो जगह पर लेगा चुम्मन? बोल बोल जगह बोल। क्या है आज तू चुमन लेना रूबी मैडम के ओंठ पर? क्या भाव देगा? 100 रुपये का। बात पक्की? पक्की। लगी शर्त? लगी शर्त। गई क्या? कितनी कितनी कितनी? अरे कितनी कितनी कितनी? बिचू 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 काटेगा 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 बिचू 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 नहीं अबे मैं बिचू काटेगा तो बिचू मर जाएगा, तू मर जाओगी। अब कर ये ले 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 क्या करता है तू? बिचू क्या करता है तू? गधा कहीं का? चल दोबारा आया तो टांग तोड़ दूंगा तेरी, गधा कहीं का। चुम्मन लेके दिखाएगा नहीं कल? अरे चल निकाल पैसा, पैसा पैसा बाद में ले, पैसा निकाल पहले। अरे पैसा बाद में लेना ना तू, आज अगर चुम्मन लेके दिखाया तो। अच्छा क्या तो सुन ऐसा? हाँ डबल भाव पड़ेगा। काय को डबल? पहले चुम्मन लेने का और अगर झापड़ पड़ी तो झापड़ खाने का, तो फिर आधा हो जाएगा ना। एक बात बता, तू चड्डी पहनने को कब सीखेगा? हाँ नहीं वो चड्डी 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 नहीं पहनता हम लोग यार। हाँ ये तो काय को पकड़ के रखा है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम ही लोगों में से कोई है जो हिज हाइनेस के खून का बदला ले रहा है। और कमाल तो ये है कि हर कोई कहता है मैं बेकसूर हूं। कातिल वैसे बहुत चालाक है। कहीं तुम? मैं तुम्हें कातिल लगता हूं। उन तस्वीरों में तुम्हारी भी तस्वीर लगी हुई है, क्या मैं तुम्हारा खून कर सकता हूं? आई एम सॉरी, मुझे गलत मत समझना। अच्छा मैं चलता हूं। Thank you.
ऐ खुदा हमारा हाल पे रहम कर, हमें इस कत्ल खून और शैतानी ताकत के सहाय से बचा खुदा, अब तू ही हमारा मदद कर सकता है। ऐ खुदा बचा ले हमें, हमारा मदद कर खुदा, मदद कर। मुझे तो ये किसी पागल आदमी का काम लगता है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं मेजर जी, वो बोट को बम से उड़ा देना, वो क्या कहते हैं वो टेप रिकॉर्डर की आवाज, और बीके वर्मा का यहाँ से लापता रहे हैं, और सुंदरलाल की शराब में जहर वो कहाँ से आया, और अनु पर काले बिच्छू का छोड़ना है, ये थाने पागल आदमी को काम नजर आवे है। सच सच बता दो कि कहीं हम ही लोगों में से किसी ने हिज हाइनेस का खून तो नहीं किया। पुलिस को शक है कि हम सब हिज हाइनेस के कातिल है। अरे तो फिर हमारे लोगों को कौन मार रहा है भाया? हो सकता है वो शायद हिज हाइनेस के खून का बदला ले रहा हो। इसका मतलब है तुम इनकार कर रहे हो कि हिज हाइनेस के कत्ल में तुम्हारा हाथ था। क्या मतलब मिस्टर मैक, क्या आपके हाथ के नाखून कुछ ज्यादा बढ़ नहीं गए? कहना क्या चाहते हो तुम? कहना ये चाहता हूँ कि ना आपने उन्हें साफ किया और ना ही आपने उन्हें काटा। मेरा नेल कटर कहीं घूम गया। हाँ हो सकता है सेठ सुंदरलाल जी की शराब में जहर मिलाते वक्त ये नेल कटर आप वहाँ भूल गए। मैंने किसी की शराब में जहर नहीं मिलाई। मुझे ये नेल कटर बार में से मिला। बार में से? ए भोला मत बन हरामजादे, तू ही बीके वर्मा है, ये तेरा ही रचाया हुआ नाटक है। हाँ, तू पकड़ोगे। छोड़ दो मुझे, मैं बीके वर्मा नहीं हूँ। तो कौन है? क्या हुआ? अरे यही बीके वर्मा है, खूनी है, इसी ने शराब में जहर मिलाया था, हम सबको यहाँ बुलाया था। बोल बोल बोल, तू कौन है? बोल। अरे बोल, अरे बोल नहीं, अरे बोल, बोल, बोल क्या? तुम लोग सब पागल हो गए हो, इतना मैं नहीं जानते थे। वो किसके पास होता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर अम्बालाल के कमरे में है, अम्बालाल की तबीयत ठीक नहीं थी। छोड़ मत, बांध के धर। हाँ समझे? ठीक है। अरे कौन बम पारा इधर को? क्या हो गया? सिद्धार्थ के बाद अम्बालाल को मर्डर तुमने? अरे हमने कुछ नहीं किया, बोलता है ना। अरे ये क्या कर रहे हो, बच्चे हो क्या? पहले सिद्धार्थ, अब अम्बाला, आप किसकी बारी है? अरे तुम मेरे को क्या को ऐसे सस्पिशियसली देखता है? और धनराज को पूछने, उसको मालूम आएगा। कौन है? देखा देखा, जिसे सबसे भोला भाला इंसान हम समझते थे, उसी के पास सबसे खतरनाक हथियार है। खतरनाक हथियार है, छोड़ दे। इससे तुम खतरनाक लोगों से मुझे अपना बचाव करना है। हिला मत, मुझको मुझको मारने की कोशिश की ना तो पहली गोली मेरी रिवॉल्वर चलेगी। हाँ मेरी वट्टा
छोटा भूत छोटा भूत काला भूत आहो रे बाबा रे आहो रे बाबा रे बाबा बाबो भूताए भूताए काबू मैं दिल घबराए घबराए मैं जिधर भी देखू मुड़ के आए नजर बसे भू 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 भूत लंबा भूत छोटा भूत मोटा भूत काला भूत बारे बोरे बाबारे बाबा बागो भूताए भूताए Oh!
आया कब्र में जा, छोड़ दे पीछा छोड़ मेरा, तू भूत है तो मैं हूँ भला, गुस्सा है मेरा बहुत बुरा। कब्र से आया कब्र में जा, छोड़ दे पीछा छोड़ मेरा, तू भूत है तो मैं हूँ भला, गुस्सा है मेरा बहुत बुरा। क्यों कहना माने ना तू मुझको जाने ना, बाबा भागो भूताए भूताए, काबू मैं दिल घबरा। जैसा कटा है, अरे कहीं हो भाया कहीं हो, क्या हुआ तेरे को सपना गिरा क्या? सपना राम राम राम, पर हम इस बेचारे पे शक कर रहे थे। पता नहीं अब किसकी बारी है। मैं बताऊं, ये मोटू है ना मोटू, ये नाव चलाने वाला। हाँ। मुझे तो इस पे शक है, बाकी तुम लोग जानो। हाँ। मुझे तो ये मारवाड़ी खतरनाक लगता है। हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है, क्योंकि उसके पास ना एक छोटा सा पिस्तौल भी है। हाँ। हाँ। अगर किसी तरीके से उसके पास का वो पिस्तौल निकाला जाए ना, वो तो मैं एक अगड़ाई में कर सकती हूँ। वो कैसे?
ये तो मुझ पर छोड़। कौन है भाया? अरे इतनी रात को कौन मिलने आयो भाई, बोले क्यों नहीं? मैं रूबी। रूबी? पहले अंदर तो आने दो, क्यों डरते हो? सबका दिल मेरी एक नजर के लिए तरसता है और मैं तुम्हारे पास खुद चलकर आई हूँ अपनी प्यास बुझाने, तुम्हें कंपनी देने। अकेले शराब पीना गुनाह है। शराब के साथ शबाब का होना जरूरी है ना? पियो। अचानक मन पे इतनी मेहरबानी कैसे हो गई? इंसानी जज्बात से भरी हुई औरत कब किस पर मेहरबान हो जाए? कोई भरोसा नहीं। दरअसल रंजीत से मेरा दिल भर गया है और ये कत्ल खून उसी ने किए हैं। हाँ, तो मुझे उसे बचाओगे ना? डार्लिंग ये लो। थैंक यू। ये अमीर को दो, तुमको जरूरत नहीं, हमको हिफाजत के लिए। अरे हट रहे। अरे चल। अरे क्या करते है? चल। केम जुम्मन। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। साहब जी, बाबा साहब जी, कैसा है तुम? खुदा का मेहरबानी है, अब तक तो अपन जिंदा है। सच्ची बात करते है। मैंने गोली की आवाज मैंने भी सुनी। कहां से आई होगी? आप देखते चलो। अफसोस, मर गया बेचारा। अभी थोड़ी देर पहला मेरे साथ वाट करता था। अरे इस बापड़े को जमाता दी के किसने कर दिया? एक रिवॉल्वर तुम्हारे पास है और एक रिवॉल्वर मेरे पास। मैंने गोली नहीं चलाई। बोल, मैं कहूंगा। अरे बोल क्यों नहीं? ये क्या कर रहा है? छोड़ो, छोड़ो। रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा धनराज, रुक जा। तो चुम्बन का खून तूने किया है? देख, इसमें छह की छह गोलियां मौजूद है और सुन कर देख, इसमें बारूद की बू भी नहीं है। अब दिखा अपने रिवॉल्वर, दिखा। साला सोचता क्या है, दिखाना। देखा चल सा खूनी, तूने ही जुम्मन का खून किया है। भाई आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैंने खून नहीं किया है। अरे तो तू है कौन? तने बीके वर्मा ने चिट्ठी भेजी थी या फोन किया था? या तू ही बीके वर्मा है? ना मैं बीके वर्मा हूँ ना मैं उसे जानता हूँ। अरे बोले क्यों नहीं, कौन है तू? तो यहाँ क्यों आया? क्या कर रहे थे तुम यहाँ? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अरे कैसे जवाब नहीं दे सकता, जवाब देना पड़ेगा, बजाय क्या क्या? अरे अभी हमें इस कातिल से बचकर रहना है। ये बदमाशी खूनी है? नहीं, ये खूनी नहीं हो सकता।
तुम्हें इसलिए यकीन नहीं आ रहा है क्योंकि तुम उसे प्यार करती हो। अरे जिस दिन वो ऐसे जय माता दी की करेगा ना उसी दिन यकीन आ जाएगा। हाँ क्यों बे थोबड़ा सुजा के क्यों बैठा है? जुम्मन बेचारे गरीब की मौत का गम कर रहा हूं। कल सुबह अपने बीवी बच्चों के बारे में बात कर रहा था, जब उन्हें मालूम होगा तो उनका क्या हाल होगा। बोल मेरी बंदूक कहां वरना चीर डालूंगा। देता हूं देता हूं देता हूं देता हूं। रुक जा धनराज, मैं कहती हूँ छोड़ दो धनराज, वरना तुम्हारी ये मॉर्फिन इंजेक्शन को मैं फेंक दूंगी। नहीं नहीं, अरे कोई इसको समझा, अरे समझाने के बच्चे। नहीं, मैं मर जाऊंगा, ऐसा मत करना भाई, ऐसा मत करना भाई, भाई ऐसा मत नहीं रूबी, ये वाकई मॉर्फिन बिना मर जाएगा, मर जाने दो कुत्ते को। हराम शादी धनराज, समझदारों को इशारा काफी होता है। छोड़, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, हरगिज नहीं। लोगों को गलतफहमी हो गई अनु, मैं भला जुम्मन का खून क्यों करूंगा? लेकिन तुम्हारी रिवॉल्वर से गोली चली है सुरेश। तो हो सकता है मेरी रिवॉल्वर किसी ने चुरा ली हो। जब तुमने गोली की आवाज सुनी तुम उस पर भागे ना? हाँ। कितना वक्त लगा होगा? कुछ 15-20 सेकंड। 15-20 सेकंड में अगर तुम्हारे जेब से रिवॉल्वर निकालेगा, खून करेगा, वापस जेब में रख देगा, इट्स इम्पॉसिबल सुरेश। यू आर राइट, बात तो तुम्हारी सही है अनु। अगर मेरी बात सही है तो खून तुम्हें ने किया है। अनु अनु ये क्या कह रही हो तुम? मैं नहीं, कल सब यही कहेंगे, गवाह और कानून भी यही कहेगा। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ इस मर्डर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर कोई ताल्लुक है तो मैं मालूम कर लूंगी। अनु लो, साला एक ही तो चीज बची थी वो भी चली गई। कौन है? पूछता हूं कौन है? शमशेर दरवाजा खोल, दरवाजा खोलना, मैं हूं ना तेरे साथ में। रंजीत आखिर तूने उसे मार डाला? मैंने? अरे तुमने इसके हाथ पीछे से बांध दिए, मुंह पर पट्टी चढ़ा दी और चेहरे पर मास्क पहना दिया, तुम्हारी वजह से वो मरा है कातिल। अरे तू समझता क्या अपने आप को?
पूछ लिया उनसे, सुबह से मैं उसके साथ था। अरे लेकिन रंजीत रूबी और मैं, हम तीनों तो यहाँ थे, फिर इस मोटे को बांध कर इस अलमारी में किसने डाला भाई? ओहो, आखिर कौन है वो? तुझे मैं मारूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चलो छोड़ो, तुम सबको भी जगह मारेगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। हाँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। मॉर्फिन के बिना ये पागल हो गया है। मैंने ही डरा दिया।
मैं नहीं रुकता, नहीं तो मैं भी मारा जाऊंगा। अब मैं नहीं रुकता, अब मैं नहीं रुकता। शमशेर, मैं तुम्हें कहता हूँ रुक जाओ। नहीं रुक जाओ शमशेर, मेरे को भी बंद करो। ये भी वही गलती कर रहा है, खूनी यही तो चाहता कि हम लोग अलग अलग हो जाएं। मारा गया, हम सब तो इधर ही है, फिर उसको किसने मारा? इसका मतलब हमारे अलावा इधर कोई और भी है। चलो शमशेर को ढूंढते हैं। चलो चलो, चलो। Thank you.
तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मेरे पिताजी थे, मैं लंदन में पढ़ा करती थी और वो मुझसे मिलने अक्सर वहां पर आया करते थे। और एक दिन मुझे उनके कत्ल होने की खबर मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से उनको 9 आदमियों ने मिलकर कत्ल किया था। उन 9 आदमियों के नाम मेरे पिताजी ने बहुत सी ज्यादा छोड़ी, लेकिन उस नेकी का बदला उन्होंने ये दिया कि मेरे पिताजी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लेकिन अनु, मैं तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि तुमने सारे खून किए। सही है, जुम्मन बोट वाला? जुम्मन बोट वाला नहीं हुजूर, अपने वक्त का शहजादा कुंवर अवतार सिंह, हिज हाइनेस प्रताप सिंह का भाई। और मेरे अंकल कुंवर अवतार सिंह और सॉलिसिटर बी के वर्मा। लेकिन तुम तो मर चुके थे। मौत से आंख मिचोली खेलना हमारा दिलचस्प खेल है मिस्टर रणजीत। और ये हथकड़ियां हमें आपकी अलमारी से मिली, इंस्पेक्टर सुरेश। पुलिस ऑफिसर? हाँ, इन्हें यहाँ हिज हाइनेस प्रताप सिंह के मर्डर के सिलसिले में असली कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया है। मिस्टर सुरेश हिलना मत। मिस्टर रंजीत, पुलिस ऑफिसर मिस्टर सुरेश को हथकड़िया पहनाओ। नहीं, आपको अपनी जान प्यारी नहीं लगती, पहनाओ। रंजीत, दूसरे हाथ में नहीं बल्कि टेबल से बांधो। कुंवर अवतार सिंह साहब, हम आपकी चालाकी और अकलमंदी के कायल हो गए हैं। वाकई आप एक कामयाब मुजरिम और गुनहगार दिमाग के मालिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो हमें करना चाहिए साहब, आपसे पुलिस और कानून ने बहुत कुछ सीखा है। और कुछ? जुम्मन साहब, अब तो हम आपके शिकंजे में फंसी गए, भागने का कोई चांस नहीं। मरना तो है ही हमें, अब हमारी एक आखिरी ख्वाहिश जरा पूरी कर देंगे आप? ये बताइए कि मरने के बाद आप दोबारा जिंदा कैसे हो गए? जरूर बताएंगे, हम आपकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मरने वालों का हम बहुत ख्याल रखते हैं। तो सुनिए साहब, जब डॉक्टर दस्तूर हमसे आखिरी बार मिले। कैम जुम्मन। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। साहिब जी, बाबा साहिब जी, कैसा है तुम? खुदा का मेहरबानी है,
अब तक तो अपन जिंदा है। सच्ची बात कहते हैं बाबा, सच्ची बात। डॉक्टर साहब, हाँ, आप अगर मेरा मदद कर सकता है ना तो अपन दोनों जिंदा रह सकता है। वो कैसा? देखो अपन कुछ करेगा, हाँ, आप है ना सब लोगों के सामने ये बोल देना कि जुम्मन मर गया। हाँ, मैं ये सब फ्रॉड लोग है ना, मान जाएगा क्योंकि आप डॉक्टर है ना। हाँ हाँ, फिर बाद में अपन पता लगाएगा कि असली खूनी कौन है। करेक्ट करेक्ट, समझ गया। गोली की आवाज सुनी? मैंने भी सुनी। और उसके बाद मेरे लिए बहुत ही आसान था एक एक का सफाया करना। धन धन दौलत जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, मुझे नहीं। रंजीत, तुम तुम्हारा हिस्सा लेकर जाओगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे घर जाने दो। जाओगे जरूर जाओगे, मगर अपने घर नहीं, भगवान के घर। नहीं, यहाँ पर बाकी के साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुड बाय मिस्टर रंजीत। रुक जाओ। नहीं, रुक जाओ अवतार सिंह, रुको रुको से। मैंने मैंने इस आईनेस का खून नहीं 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 किया। अवतार सिंह, मरते वक्त आदमी झूठ नहीं बोलता। सिर्फ रंजीत ही बेकसूर नहीं था, बल्कि मरने वाले सब के सब बेकसूर थे। मरने वाले सब बेकसूर थे? ये सच कह रहा नू, इन लोगों में से किसी ने भी तुम्हारे पिताजी का खून नहीं किया। तो फिर किसने किया था वो खून? तुम्हारे अंकल कुंवर अवतार सिंह ने। ये कातिल बहुत चालाक है, इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए 9 बेगुनाह इंसानों को गुनहगार साबित करने की कोशिश की, लेकिन इसके चाकुओं की धार से ज्यादा तेज पुलिस की नजर थी। पुलिस ने यह पहले ही पता लगा लिया था कि तुम्हारे पिताजी को 9 अलग अलग चाकुओं से मारा जरूर गया, लेकिन मारने वाला एक था। कुंवर अवतार सिंह, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो ना, इसलिए तुमने 9 अलग अलग चाकुओं का इस्तेमाल तो जरूर किया, लेकिन जूते और दस्ताने बदलना भूल गए। अंकल, दौलत के लालच ने आपको अंधा ही नहीं वैश्य दरिंदा बना दिया। अपने भाई को कत्ल कर डाला आपने। क्योंकि उन्होंने अपनी बेशुमार दौलत में से मुझे कुछ भी नहीं दिया। आधी दौलत तुम्हारे नाम कर दी और आधी उन 9 मरने वालों के नाम पर कर दी। उनके मरने के बाद सारी दौलत की वारिस तुम होगी और तुम्हारे मरने के बाद सारी दौलत का हकदार मैं होऊंगा। तुम सिर्फ फांसी के फंदे के वारिस होगे, क्योंकि पुलिस को शक हो जाएगा कि दौलत के लालच में तुमने अन्नू का भी खून कर दिया। कत्ल नहीं, आत्महत्या, खुदकुशी। लिखो, इन कागजात पे लिखो, मैंने ही अपने पिता के 9 कातिलों को मारा है और अपनी सारी दौलत व जायदाद
अपने अंकल कुंवर अवतार सिंह के नाम पर कर रही हूँ। अब मेरा जीना बेकार है, क्योंकि कानून मुझे मौत की सजा ही देगा, इसलिए मैं खुदकुशी कर रही हूँ। लिखो। मैंने तुम्हारा साथ पिताजी का इंतकाम लेने के लिए दिया था, लेकिन तुमने मुझे गुमराह करके 9 बेकसूर आदमियों की जाने ले ली। तुम मेरे अंकल ने खूनी भेड़िए हो। मेरा किसी से रिश्ता नहीं, मेरा अगर रिश्ता है तो सिर्फ दौलत से। लिखो। नहीं, मैं यहाँ साइन कभी नहीं करूंगी, चाहे तुम मेरी जान क्यों ना ले लो। तुम अपने लिए तो नहीं, लेकिन तुम अपने प्यारे महबूब के लिए तो लिखोगी ना। इस पे नजर रखना, मैं पुलिस को फोन करके आता हूं। हेलो हेलो हेलो, इंस्पेक्टर सुरेश स्पीकिंग। तुमने मेरे पिताजी और 9 बेकसूर इंसानों की जाने ली है, इसलिए कानून के मुताबिक तुम्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए। नहीं, ये क्या कर रही हो तुम बेटी? बेटी मौत नजर आई तो बेटी भी नजर आई। नहीं 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 नहीं। क्यों अंकल, ये हार तुम्हें तस्वीर के लिए लाए थे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं ये हार तुम्हारी तस्वीर पर नहीं बल्कि तुमको पहनाती हूँ। नहीं 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 नहीं। माफ करो मुझे, रहम करो मुझ पर। तुमने रहम किया था उन सबको मारते हुए, जो आज मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो। अंकल, जो कुछ तुमने दिया है मैं वही लौटा रही हूँ। चाहो तो मुझे कानून के हवाले कर दो, मगर ताकि इस बार तुम कानून का भी खून कर डालो। नहीं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। नहीं 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 बेटा, अनु तो तुम कानून को भी धोखा दे दोगे। अनु बेटा मुझे माफ कर। कानून तो तुम जैसे मुजरिम शैतानों के दिमाग का खिलौना है अंकल। नहीं। कानून इंसाफ और गवाहों के सबूत मिटाना और बनाना तुम अच्छी तरह जानते हो। नहीं नहीं अनु, अनु बेटा देख, इसलिए मैं तुम्हें ये चांस नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये चांस नहीं दूंगी कुंवर अवतार सिंह। नहीं नहीं अनु, मैं अपनी गलती का इकरार करता हूँ। इसलिए दफा ताज़ेरात हिंद 302 के तहत
10 आदमियों को बेदर्दी से कत्ल करने के जुर्म में वैशी दरिंदे लालची दौलती गुला पौरता सिंह बल्द महाराजा चंद्रभान सिंह को सजाए मौत बसूरते फांसी आखिरी दम निकले तक दी जाती है।